हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उनका तो आप सब सही होंगे। और हमारे यहाँ अभी चली है निन्नी, और आज के दिन का व्लॉग कुछ हमारा स्पेशल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जो शुरुआत हुई शिवांगू की हुई अपने जो डोगी है, एक छोटा सा डोगी है उसके साथ खेलने के साथ। और ये किसी से नहीं डरती है, मतलब बंदर से नहीं डरती है ना डोगी से डरती है, और उसको मारने की कोशिश करती है। और आज घर में थी माता पूजन। जो लेडीज होंगी इनको पता होगा क्या होता है माता पूजन। और ये देखिए यहाँ पे प्रतिभा की कलाकारी, ये छोटे से कप में मतलब पोट टाइप का बना दिया है। और शिवांगी अपना नहा धो के सो चुकी हैं, अभी ये एक डेढ़ घंटा आराम से सोएगी। आज सुबह से ही हमारे घर में माता पूजन का कार्यक्रम चालू है, और घर में बनी है आज पूरी और छोले। और काफ़ी लेट होने के बाद, क्योंकि आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमारा जो माता पूजन का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये घर के बाहर ही, मतलब गेट के बाहर ही होता है, और मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह यहाँ पे क्लिप शूट कर रहा था। अब सब काम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे घर के जो बाहर गेट वगैरह होते हैं, जो कोले वगैरह बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे छापे लगा दिए जाते हैं हल्दी के। ये देखो, ये है वो पोट जिसके बारे में बात कर रहा था। आज इसको धूप दिखाई जा रही है, मतलब ये कप में लगा रखा है। अच्छा, काफ़ी पेड़ लग रहा है ये। रे भागे भागे रे मनवा, माने ना माने जो तेरी यादें सो यादें सताए ना खामोशी। और ये है हमारा गुड़हल का पेड़, इसपे मतलब जिसके पत्ते हैं वो छोटे छोटे हो चुके हैं, और फूल कभी कभी आते हैं। और ये है पेड़, इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको बोलते हैं कि घर में अगर आप लगाते हैं इसको, ये छांव में धूप में हो जाता है तो एक बड़ा शुभ रहता है। ये हमारा हो गया मरवा का पेड़, जिसकी चटनी वगैरह बनाई जाती है। यहाँ पे प्रतिभा लगा रही है कुछ फूलों के बीज, और यहाँ पे दूसरी तरफ ये शिवांगू देखो क्या कर रही है, ये पानी चलाने की तैयारी में है। मतलब जो चीज़ें हम करते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम उसको करने की कोशिश करती है, कहाँ से पानी चलेगा, कहाँ पानी दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल तैयारी में है। और ये है किसी पेड़ की एक पौध टाइप कह सकते हैं आप, ये अभी छोटा पौधा है, और ये हमने बाल्टी में लगा रखा है, लेकिन इसका मुझे नाम नहीं पता है क्या नाम है। ये छांव धूप दोनों में हो जाता है। तो जी, ये हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा फ्लैग, मतलब तिरंगा पार्क इसको हम बोलते हैं, और बहुत ही बड़ा तिरंगा यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे गांव की पहचान सिर्फ दो ही है, एक तिरंगा पार्क और एक बहुत ही बड़ी सी नहर। तो आज मैं शिवांगू को यहाँ पे पार्क में लेके आया था काफ़ी टाइम बाद, तो इसका बड़ा खेलने का मन लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चे झूले वगैरह सब चीज़ें हैं, तो बच्चों में इसका मन लगता है। देखिए कैसे मतलब बच्चों की तरफ ये अट्रैक्ट होती है। और कई बार तो इसने मुझे मतलब कोशिश करी कि भाई मुझे झूला दो इन बच्चों के साथ। बात के नहीं, यानी चलते वहाँ, चलो सामने वहाँ पर है, वहाँ चलो भाग के, चलो भाग के।